स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक्स में हम लोग लिमिट का डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट का स्टडी किए, साथ में लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी का भी स्टडी किए। ये हम देखे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। आज के डेट में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ने के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और फिर फर्दर हम लोग फॉर्म 0x0 फॉर्म शुरू करेंगे। और हमें ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन होता है उसमें जनरली 5 फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है कंटिन्यूटी में लिमिट से रिलेटेड, तो उस 5 फॉर्म का स्टडी हम लोग फास्ट करेंगे। स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। आपको बराबर जब कंटिन्यूटी की थ्योरी हम शुरू करेंगे तो उसका डिफिनेशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर कहेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में स्टूडेंट हम लोग लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी का स्टडी किए थे। तो यहां जो लेफ्ट टेंडेंसी फंक्शन का है x इक्वल टू ए पॉइंट पर, उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। मतलब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ fx at x equals to a is called left hand limit। तब इसे हम लोग स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। बहुत आराम से हमने कहा था कल के सिचुएशन में कि आपके पास में ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास फंक्शन का फॉर्म था, ये पॉइंट हमारे पास आपके पास a माइनस h है। इस पॉइंट पर जो फंक्शन का हम लोग अप्रोचिंग पॉइंट निकाल रहे थे वो l माइनस एप्सिलॉन था, हालांकि राइट में भी एग्जिस्ट कर रहा था। ये फंक्शन फाइनल लिए थे y इक्वल टू एफ एक्स। तो जो हमारे पास लेफ्ट टेंडेंसी फंक्शन का है, जो लेफ्ट टेंडेंसी फंक्शन का है एट यक्स इक्वल टू ए पर, उसी टेंडेंसी को इसमें हम राइट हैंड टेंडेंसी भी मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट राइट हैंड टेंडेंसी था, या ऐसे हम ए माइनस डेल लिखे थे और वहां थ्योरी में ए प्लस डेल लिखे थे इस पॉइंट। तो यक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर जो आपका लेफ्ट हैंड टेंडेंसी है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, पहले तो शॉर्ट में आप एब्रिएंशन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हो। और इस लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन का वैल्यू है वो ए से लेस देन है स्टूडेंट, तो इसलिए आप उसे यफ ए माइनस डेल लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो आपका किताब है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और भी जो ट्वेल्थ की बुक है एनसीईआरटी, उस बुक में यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट। इसके बदले में क्लास ट्वेल्थ की किताब में यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब डेट इज, इसको आप कह सकते हो कि इसे यफ ए माइनस यच लिखा गया है। अभी हम लोग जो लिमिट की थ्योरीज थी वहां डेल का प्रयोग किए थे, इसलिए हम अभी डेल रख रहे हैं। बाद में जब क्वेश्चन का अप्रोचिंग लेंगे तो उस समय हम यच कर देंगे, या आप सिंपल इसे ए माइनस जीरो भी कर सकते हो, या फिर आप यफ ए माइनस भी कर सकते हो। मैंने इतने तरीके से फंक्शन का वैल्यू जो है ए माइनस डेल है, मतलब ए माइनस डेल पर फंक्शन की वैल्यू ए माइनस जीरो। हमने कहा था कि डेल टेंस टू जीरो होता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि एफएक्स फंक्शन जो है ए माइनस जीरो पर उसकी वैल्यू क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन है, या आप उसे ए माइनस कर दें क्योंकि जस्ट हम टेंड कर रहे हैं ए की ओर, बहुत नियरेस्ट पॉइंट पर है, तो
तो ए माइनस भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिमिट x टेंस टू ए माइनस कर लेते हैं ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ए माइनस एच भी लिखते हैं, तो आप लिमिट x टेंस टू ए माइनस एच भी लिखते हैं ऑफ एफ एक्स, जहां एच क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है, जहां एच वही डेल जो लिख रहे थे वो एच है। आप चाहो तो ए माइनस डेल भी लिख सकते हो अभी के समय में, तो ए माइनस डेल ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अगर आप पिछला वीडियोज नहीं देखे हो तो जरूर देखेंगे कि लेफ्ट टेंडेंसी जो आपका फंक्शन का है, लेफ्ट टेंडेंसी मतलब कि यक्स जो है लेफ्ट की ओर से जब ए पर टेंड करेगा, तब ऐसी स्थिति में जो फंक्शन एफ एक्स है वो उसकी वैल्यू किस ओर अप्रोच करता है, मतलब एफ एक्स का अप्रोचिंग पॉइंट क्या है, उसी पॉइंट को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे और सिंबॉलिक में इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद उसी प्रकार से हम लोग का नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टूडेंट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट द राइट टेंडेंसी, द राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू ए इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, तब उसे हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे स्टूडेंट। मतलब कि जब आपके पास में x जो है, अभी फिगर बनाए थे हम, ये पॉइंट है, जब आप राइट साइड से ए की ओर आप टेंड करते हैं, यक्स को आप टेंड करवाते हैं राइट से, जब टेंड करवाते हैं तो वही टेंडेंसी है, राइट टेंडेंसी है। तो राइट से अगर आप टेंड करवाते हो स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में जो फंक्शन जिस पॉइंट की ओर, जिस पॉइंट पर जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी एफ एक्स का, वही वैल्यू हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। और ये अभी तक जो थ्योरी हम लिखते आ रहे हैं उसमें यल प्लस एप्सिलॉन का प्रयोग करते आ रहे थे। तो यही हमारे पास राइट हैंड टेंडेंसी है, और इसी राइट हैंड टेंडेंसी को हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे। तो आप इसे लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाई आप लिखो राइट हैंड लिमिट, एवरी आंसर हो गया, या आप एफ ए प्लस डेल लिख दीजिए, एफ फंक्शन का वैल्यू ए प्लस डेल पर क्या होगा, या आप फंक्शन ए प्लस कर लीजिए स्टूडेंट, या आप फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो लिखिए, या आप लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस दे दीजिए ऑफ एफ एक्स, या आप इसे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस डेल लिखिए ऑफ एफ एक्स लिखिए, वेयर डेल टेंस टू जीरो, ये याद रखना है। यहां जो हम लिख रहे हैं कि वेयर डेल टेंस टू जीरो, डेल इतना नियरेस्ट में पॉइंट है कि वो टेंस टू जीरो है, बट पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये जो डेल है वो एक पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट। तो अगर ऐसा होता है तब उसे हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं, मतलब कि लेफ्ट टेंडेंसी से जो डिफाइन किए वो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन किए, और राइट टेंडेंसी से जो डिफाइन किए वो राइट हैंड लिमिट को डिफाइन किए। अब हम जैसा हमने डिफिनेशन के बाद आपके पास हमने कहा था कि देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तो तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो रहे थे स्टूडेंट। उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में हमने एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू द राइट टेंडेंसी, अगर लेफ्ट टेंडेंसी राइट टेंडेंसी का इक्वल होता है तब ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है जिसको हम लोग किताब में पढ़ेंगे, या अभी हम जो बता रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है।
तो कल तीन केसेस पिछले वीडियोस में हमने देखा था, लास्ट में तीन केसेस हमने लिखा था और बहुत केसेस में हमने बताया था कि जब इक्वल होंगे लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी तब ऐसी स्थिति में आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे मतलब लेफ्ट का पोजीशन इस हाथ पर है राइट का पोजीशन इस हाथ पर है तो ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट कहोगे कि दोनों इक्वल नहीं है तब ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने कहा था इरेटिक बिहेवियर अगर शो करने लगता है माने फंक्शन ऑसिलेट करने लगता है तो जस्ट उसके नेबरहुड में ये हम पता ही नहीं लगा पाते कि उसकी वैल्यू कहाँ है, उसमें इतनी फ्लैक्चुएशन होती है, इतना फ्लैक्चुएशन होता है कि उसके वैल्यू को फाइनल डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उसकी वैल्यूज क्या है, और जब एक्चुअल वैल्यूज डिटेक्ट नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जस्ट पिछले वीडियोज में हमने कहा था तो यहीं से वो जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वहीं से एक टॉपिक आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में याद रखना है, क्या याद रखना है, ऐसे मैं पिछले वीडियोस में भी इसका जिक्र किया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यल, इक्वल टू यल। यहां जो यल स्टूडेंट है वो फाइनाइटली आप नंबर आप कह सकते हो, फाइनाइट नंबर है या फाइनाइटली यूनिक नंबर कर देते हैं, फाइनाइटली यूनिक नंबर है स्टूडेंट। तो अगर आपके पास में ये जो लिखे हैं सिंबॉल, अभी सिंबॉल हम बताए हैं, ये सिंबॉल ए माइनस, जैसे ये माइनस देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये आप जो देख रहे हो ए प्लस लिखे हैं इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले यल के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं यल के बराबर है। यल क्या है, फाइनाइटली यूनिक नंबर है, माने कोई फाइनाइट नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे या जीरो या फ्रैक्शन भी हो, तो इस प्रकार से फाइनाइट नंबर है। तब ऐसी स्थिति में तुम कहोगे कि देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या आप उसका लैंग्वेज लिख दोगे तो आपके ऐसी स्थिति में आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। मतलब कहने का अर्थ याद रखना है, सारांश में हम कहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए किसी यल का, यल एक फाइनाइट नंबर है याद रखना है, यल एक फाइनाइट नंबर है, यल एक फाइनाइट नंबर है, अगर ये फाइनाइट नंबर होता है स्टूडेंट तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की जो वैल्यू होगा वो यल के बराबर होगा, वो यल के बराबर है। लेफ्ट भी यल है राइट भी यल है, तो कल हमने बताया था कि जिस पॉइंट दोनों तरफ से आप जाएं टेंड करवाएं, लेफ्ट से भी टेंड करवाएं राइट से भी टेंड करवाएं, तब ऐसी स्थिति में देखिए कि फंक्शन दोनों साइड से टेंड करवाने के बाद फंक्शन का अप्रोचिंग किस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर फंक्शन का अप्रोचिंग होगा स्टूडेंट वही फंक्शन का लिमिट होगा। इसका मतलब कि लेफ्ट से वो यल की ओर टेंड किया था, राइट से भी यल की ओर टेंड किया, तो फाइनल जो उसका लिमिट होगा स्टूडेंट वो यल होगा। अब देखिए जो थ्योरीज का जो पार्ट है, लिमिट का जो फंडामेंटल पार्ट्स जिसको आप कह सकते हो, ये टॉपिक हम आपको समाप्त कर दिए। इस फंडामेंटल टॉपिक में स्टूडेंट हम आपको बताए कि क्या क्या बताए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, टेंस टू का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, फिर आपको बताए कि लिमिट का डिफिनेशन क्या है, फिर फर्दर उसके बाद हम आए तो तीन केसेस हमने बताया लेफ्ट टेंडेंसी राइट टेंडेंसी, इक्वल होने के बाद क्या होंगे और अनइक्वल होने के बाद क्या होंगे, अगर उसका फिक्स्ड नहीं वैल्यूज होता है तब क्या होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम आज के लेक्चर्स में बताए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, उसके बाद लेफ्ट और राइट के बाद हम आए कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। अब आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानना होगा,
लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। कल का जो वीडियोस है स्टूडेंट, वो रात में आने के बाद शूट किए और आपको दिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट हमें लिखा कि क्या सर 90 डेज में मैं जेई के एग्जामिनेशन देने लायक हो जाऊंगा। मैं प्रयासरत हूं स्टूडेंट, आप लोग भरोसा रखें, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो कैलकुलस है मेंस एग्जामिनेशन तक लगभग आपका समाप्त हो जाए, और उसके बाद भी फर्दर वीडियोज जारी रहेगा, और फिर आपको अप्रैल में भी एग्जामिनेशन देना है। आप कंटिन्यू रखें, मैं प्रयासरत हूँ, बिल्कुल प्रयासरत हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस समाप्त कर दें। लेकिन ये प्रोग्राम जो है 2 इयर्स का प्रोग्राम है, फाउंडेशन बैच है, हमारे पास 12th का भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो उसके भी कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, टेलीफोनिक कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सअप से कमेंट आ रहे हैं, तो उसको उस स्टूडेंट को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियोज को स्लो बनाना पड़ रहा है, और मैं एक एक बात को डील कर रहा हूँ, और साथ में उस स्टूडेंट का भी ख्याल रख रहा हूँ जो स्टूडेंट हमारे पास 12th पास आउट है। अगर वो वीडियोस को देखते हैं तब उनकी थ्योरी कैसे, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होगा, उस बात को भी रखते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट की बात किसी वीडियोस में जनरली होता नहीं है। आपको ये बता दिया जाता है कि लिमिट का ये डिफिनीशन है, लिमिट का ये फॉर्म है, और इस फॉर्म का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो वीडियोज का उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन बनवाना नहीं है स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन बना लो। मैं बराबर कह रहा हूं कि वीडियोस का उद्देश्य जो है एक एम है, और वह एम है कि स्टूडेंट तक मैथमेटिक्स का रियल मैथमेटिक्स जो आपके पास में मैथमेटिक्स का मेन बातें हैं वो पहुंचे, आप एक जस्ट कंप्यूटर की तरह प्रैक्टिशनर नहीं बने। आप मैथमेटिक्स को सोचने के लिए बने, आप मैथमेटिक्स को सोचे। तो नेक्स्ट बातें याद रखना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं स्टूडेंट। तो हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। दुर्गा पाठ हो रहा है स्टूडेंट, आप लोग जान रहे हैं, आने के बाद हमने फर्दर जो है आपका बोर्ड लिया और फिर हमने लेक्चर चालू रखा है आपके लिए, इसलिए आप विश्वास रखें सर आपका जो है पूरा हम करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स है, तो सबसे पहला स्टूडेंट लिमिट का प्रॉपर्टीज है कि आप मान लो कि दो लिमिट आप ले लो, चलो पहले आप ऐसे करो, लेट कर लो, एक लिमिट हम लेते हैं लिमिट यक्स टेंस टू ए यफ एक्स इक्वल टू यल है इसकी वैल्यूज, और लिमिट यक्स टेंस टू ए एक फंक्शन जी एक्स ले रहे हैं और जी एक्स की वैल्यू जो स्टूडेंट यम है। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है देन तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लिमिट यक्स टेंस टू ए यफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसा है स्टूडेंट, मैंने दोनों फंक्शन को हमने प्लस माइनस लिया और उस पर लिमिट लगाए, तब ऐसी स्थिति में आप इसे लिमिट यक्स टेंस टू ए यफ एक्स प्लस माइनस ऑफ लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां दो फंक्शन का सम है, तब ऐसी स्थिति में लिमिट दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा, मतलब इसकी वैल्यूज यल है और इसकी वैल्यूज यम है, तो आप इसे फाइनल यल प्लस माइनस यम लिख सकते हैं। अब आपको याद है कि आप अगर इसे लिखते हैं तो आप लिमिट ऑफ सम ऑप्शन, अगर इसका ऑप्शन लिटरेचर में देता है आईआईटीज के अंदर तो क्या देता है, तो इसको लिखते हैं लिमिट ऑफ सम, और ये क्या है सम ऑफ लिमिट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट्स इस प्रकार का लैंग्वेज बनाता है, माने सम ऑफ लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिट्स, यहां दोनों लिमिट ये जो देख रहे हो दो लिमिट है उसका सम है, तो यहां सम ऑफ लिमिट्स है और यहां क्या है कि जो सम है उसका आप लिमिट निकाल रहे हो। तो ध्यान रखेंगे जहां भी आईआईटी का ऑप्शन बनेगा, अगर उस ऑप्शन का लिटरेचर कहीं लिखने की जरूरत पड़ा तो इसी प्रकार से उसका लिटरेचर लिखेंगे,
सेकेंड में आइए, आपके पास में लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है स्टूडेंट, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तब भी आप उसे लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, मतलब फाइनल इसका जो वैल्यू है वो यल है और इसकी वैल्यू यम है, मतलब यहां क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट है, ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट है और ये इक्वल होगा किसका, प्रोडक्ट का, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स का स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका लैंग्वेज भी देंगे। तो प्लस हो या माइनस हो दोनों स्थिति में फंक्शन दोनों लिमिट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा, साथ में अगर प्रोडक्ट है तब भी फंक्शन स्टूडेंट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड में आ जाइए, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई अगर जी एक्स है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है स्टूडेंट, तब यहां भी जो है लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स होगा, लेकिन यह ध्यान रखना है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां लिख दें प्रोवाइडेड लिमिट यक्स टेंस टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, या आप ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट, ए का वैल्यू रख दीजिए तो जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां क्या था तुम्हारे पास, लिमिट है किसका, डिवीजन का, यहां क्या किया, लिमिट डिवीजन ऑफ क्या हुआ, लिमिट्स हुआ, प्रोवाइडेड क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर फोर में आ जाते हैं स्टूडेंट, अब इतना आप समझ लीजिएगा सब, यक्स टेंस टू ए अब कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स है स्टूडेंट, तो आप इसे सी इंटू लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो, मतलब सी इंटू तुम्हारे पास यल हो गया, इसका वैल्यूज यल लिखे थे तो सी इंटू यल हो गया। अब देखो इसी का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो लिमिट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब यहां क्या हुआ, ये जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया, लिमिट हो गया, ये जो कांस्टेंट है, ये सी जो है वो कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, तो आप इसको अगर लैंग्वेज में बनाएंगे तो क्या लैंग्वेज इसका बनेगा, इसका लैंग्वेज लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिमिट, और अगर इसका लैंग्वेज बनाएंगे स्टूडेंट तब क्या हो गया, लिमिट पहले है, लिमिट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज भी लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में आईटीज जो है यूज कर ले। तो नंबर फोर हो गया, मतलब प्लस हो माइनस हो इनटू हो डिवीजन में भी आप कहोगे, सभी पर फंक्शन इंडिविजुअल लगेंगे, लेकिन डिवीजन में आपको याद रखना है डिनोमिनेटर ए पॉइंट पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट आपका बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद आप उसमें यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर चार हो गया, अब आप प्रॉपर्टीज नंबर पांच में आइए, लिमिट यक्स टेंस टू ए टू पावर एफ एक्स है, ई टू पावर एफ एक्स है फंक्शन यहां है, तो ये जो ओरिजिनल लिमिट है वो यहां अप्लीकेबल होगा, ई टू पावर लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ई का पावर यल हो जाएगा, ई का पावर यल हो जाएगा। नंबर सिक्स में
लिमिट एक्स टेंस टू ए, मान लो स्टूडेंट की बेस भी इसका फंक्शनल फॉर्म है और पावर भी इसका फंक्शनल फॉर्म है जी एक्स, माने यक्स एक्स का पावर जी एक्स है स्टूडेंट, तो लिमिट क्या होगा कि बेस पर भी अप्लीकेबल होगा एफ एक्स ऑफ लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब इसकी वैल्यू यल लिए थे और ये यम, तो यल टू पावर यम हो जाएगा। नंबर सेवन, अगर आप लिमिट यक्स टेंस टू ए लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स है स्टूडेंट, ऐसा है तो लिमिट इस लॉग के अंदर वाले फंक्शन पर अप्लीकेबल होगा, मतलब ये ओरिजिनल में लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स होगा। तो आप देख रहे हैं कि लॉगरिदम में है, एक्सपोनेंशियल में है या प्लस माइनस में है, किस प्रकार से लिमिट कहां अप्लीकेबल हो रहा है, तब आप इसे क्या करेंगे कि इसका लिमिट तो आपने यल निकाला है तो लॉग यल हो गया। नंबर सेवन स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है वो लेस देन एंड इक्वल टू जी एक्स है ऐसे, और आप इस पर आप सपोज करो कि लिमिट लगाते हो दोनों साइड, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माने आप अप्लीकेबल हो, लगाने के लिए आप लगा सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स हो जाएगा, माने रिजल्ट क्या हो गया, इसका वैल्यू यल था और उसका वैल्यू यम था, यल लेस देन इक्वल टू यम, मतलब आपका लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो इनइक्वलिटीज के भी केस में आप लॉगरिदम लिमिट आप जो है दोनों साइड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट कि नंबर एट में आ जाते हैं उसको, नंबर एक तो यही हो गया था शायद, तो नंबर आप सही कर लेना, तो नंबर नाइन में आते हैं, अगर इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ होता, जैसे एफ एक्स जो है वो लेस देन सिर्फ जी एक्स होता स्टूडेंट, ऐसा होता, तब आप जब इसमें लिमिट अगर लगाओगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स तो इसमें इक्वल टू आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स हो जाएगा, माने फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल टू यम हो जाएगा। तो ये नाइन नंबर हो गया। साथ में ये याद रखना है अब उस बात को हम नोट में लिख देते हैं आपके लिए। पहली बात आपको नोट में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि मान लेते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स एग्जिस्ट, ये लिमिट जो है स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। अब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिविजुअल भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी माने इंडिविजुअल लेना है ना, इंडिविजुअल लेना है दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स विल एग्जिस्ट। अगर किसी फंक्शन का प्लस जो है, दो फंक्शन के प्लस का लिमिट लगाते हो और वो एग्जिस्ट करता है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इंडिविजुअल भी वो एग्जिस्ट करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है, एकदम अनिवार्य है, क्योंकि लड़का ये समझता है कि अभी जो प्रॉपर्टीज लिखे थे कि इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो स्टूडेंट ये समझता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ये दोनों भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा। मैं क्वेश्चन में आऊंगा, वहां एग्जांपल लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा केस प्रोडक्ट में भी हो सकता है स्टूडेंट, नंबर टू, ऐसा केस प्रोडक्ट में भी हो सकता है
कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट ले लिए एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स विल एग्जिस्ट विल एग्जिस्ट। यह भी कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रोडक्ट अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस का मतलब वही है कि आप इसका लेफ्ट निकालोगे और राइट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइटली इक्वल हो जाएंगे, लेकिन आप इसका इंडिविजुअल इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो हो सकता है कि वो इक्वल नहीं होंगे या इसका भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो है हो भी सकते हैं, मे बी मे और मे नॉट बी, तो ये हो भी सकता है। इसलिए हम सीधे लिख रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो दोनों भी आपका जो है इंडिविजुअल में भी आपका एग्जिस्ट करेगा। कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो हम नहीं जब करेगा उसका एग्जांपल लेकर आपको दिखाएंगे। अब इस प्रकार से स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज आप रखिए। अब प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 9 था, अब प्रॉपर्टीज नंबर 10 जो है स्टूडेंट, 10 नंबर और 10 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जैसे आप लेट करते हैं एफ एक्स इक्वस टू ए नॉट एक्स का पावर एन ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन एस वन कर लेते हैं ए एन बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट तो आपको लिमिट जब निकालने दें देन देन लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स और फंक्शन पॉलिनोमियल है तो आप जो यहां रखोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ए नॉट एक्स का पावर एन ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन डॉट डॉट ए एन। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट तो डायरेक्ट उसमें कोई सोचना नहीं है क्योंकि वो कोई किसी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं जाएगा, कोई मीनिंगलेस फॉर्म में नहीं जाएगा। आप सीधे इसमें मान रख दीजिए, मतलब एफ एक्स है ना तो आप ए रख दीजिएगा। ए रखने के बाद क्या होगा ए नॉट ए का पावर एन एक्स के बदले रख रहे हो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एन माइनस वन इस प्रकार से ए एन आ जाएगा। दैट इज आप इसे कहोगे कि इसकी जो वैल्यू होगा एफ ए के बराबर होगा। तो जहां भी आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन के आगे लिमिट लगा हुआ है मतलब उसका लिमिट निकालना है तो उसका जो वैल्यू होगा वो ओरिजिनल एफ ए के बराबर हो जाएगा। मतलब कि पॉलिनोमियल में जिस पॉइंट पर लिमिट निकल वह पॉइंट उसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नंबर 11 ये सैंडविच थ्योरम्स के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, या उसको आप पिंच थ्योरम भी कह सकते हो, पिंच लिखता है पिंचिंग थ्योरम कर दो, पिंचिंग थ्योरम के नाम से जानते हो। अब पिंचिंग थ्योरम क्या है कि आप जैसे लेट कर लो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स की जो वैल्यू है वो एल के बराबर है, इसकी भी लिमिट एफ एक्स की लिमिट ए पर और जी एक्स का भी लिमिट ए पर दोनों एल के बराबर है। अब आपके पास एक इनइक्वालिटीज दिया हुआ है स्टूडेंट, एफ एक्स ले लीजिए ये एच एक्स है और ये लेस देन कर लीजिए जी एक्स का, ये ऐसा है स्टेटमेंट है, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट एक गिवन रिलेशन है स्टूडेंट। अब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जैसे ही अप्लाई करोगे स्टूडेंट तो क्या होगा कि यहां इक्वल टू आने लगेगा। ये प्रॉपर्टीज पहले ही हम बताए हैं और यहां जो लिमिट है एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स है ऐसा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यल लिए हैं और इसका भी वैल्यू यल है स्टूडेंट, मतलब कहने का है कि यल से लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बड़ा है और यल से क्या है छोटा है।
मतलब यल से बड़ा है और यल से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही केस पॉसिबल है कि दोनों का इक्वल होगा, इसलिए आप कहोगे कि लिमिट यक्स टेंस टू ए यचक्स की जो वैल्यू होगा वो यल के बराबर होगा। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर 11 है। तो हम टोटल लिमिट का 11 प्रॉपर्टीज आपका बताए, और साथ में अब इसका जो है दो नोट्स भी इसके अंदर में हमने बताया। अब स्टूडेंट इस जानना चाहोगे कि क्या इसका प्रूफ भी है, तो मेरा कहना है कि इसका प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ ऑफ हायर सेगमेंट में जाकर स्टडी करेंगे, इसलिए अभी मैं इसका स्टडी नहीं करवा रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब स्टूडेंट इसके अलावा लिमिट शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, तो कुछ अनिवार्य एक्सपेंशन होता है जिसका यूज हम लोग लिमिट में करते हैं। तो क्या एक्सपेंशन का यूज करते हैं स्टूडेंट? जैसे ई का पावर यक्स, तो ई का पावर यक्स जो है इसका एक्सपेंशन तो 1 प्लस, आप लोग को हो सकता है याद भी हो, यक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एसो ऑन चलता रहेगा स्टूडेंट। आप चाहो तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो, इस पर कोई अंतर नहीं है, कहीं आपका फैक्टोरियल 1 भी लिखा हुआ। तो e टू पावर यक्स का ये एक्सपेंशन है स्टूडेंट, आप इसे याद रखना, 2 इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो सेकंड क्या है, एकदम बिल्कुल एक्सपेंशन याद रखना है, विदाउट एक्सपेंशन लिमिट निकालना टफ है। सभी ट्रांसडेंटल फंक्शन का लिमिट एक्सपेंशन के द्वारा ही निकालते हैं, जो अनिवार्य एक्सपेंशन 6, 7, 8 हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप और भी किताब से कंसल्ट कर लेना तो आपको और भी एक्सपेंशन मिल जाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो हम लिख रहे हैं। तो सेकंड है ए का पावर यक्स, ए का पावर यक्स को आप लिख सकते हो स्टूडेंट ई का पावर यक्स ऑफ लॉग ए, मतलब कहने का अर्थ है कि यक्स के पोजिशन पर यह हो गया, तो आप इसे 1 प्लस यक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 यक्स लॉग ए का होल स्क्वायर कर दें, और यक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यक्स क्यू लॉग ए का होल क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये दोनों जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन हो गया। अब नंबर थर्ड में आ जाओ, लॉगरिदम में लॉग 1 प्लस एक्स। अब ये जो एक्सपेंशन है स्टूडेंट, वो टेलर्स थ्योरम से या फिर मैकलन थ्योरम से फाइंड करते हैं, और ये आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको स्टडी करना है कि टेलर्स थ्योरम्स के द्वारा आप एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, इसलिए हम उसका अभी प्रूफ नहीं बता रहे हैं। आप अभी इसको याद रखेंगे, क्योंकि हमें लिमिट में इसका प्रयोग करना है, कंटिन्यूटी में प्रयोग करना है, डिफरेंस मतलब जहां भी लिमिट होगा एक्सपोनेंशियल का, जहां लिमिट होगा ये आपके पास लॉगरिदम का या ट्रांसजेंडरल फंक्शन का, वहां हम उसका यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यक्स क्यू बाई 3 माइनस यक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। इसमें तो यक्स का वैल्यू भी होता है कि माइनस 1 से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, नहीं भी याद है तो चलेगा, काम लिमिट में चलेगा। नंबर 4, अगर यहां स्टूडेंट हम माइनस कर देते, लॉग ऑफ 1 माइनस यक्स कर देते, तो यहां माइनस यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यक्स क्यू बाई 3 माइनस यक्स 4 बाई 4, मतलब ये पूरा का पूरा माइनस हो जाता, पूरा का पूरा स्टूडेंट माइनस हो जाता। नंबर 5 में आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्स का पावर यन ए का पावर यन डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए। ये अब आप ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, अब आप एल्जेब्रिक में आ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये यक्स का पावर यन माइनस 1 प्लस ए, अब पावर घटता जाएगा एक एक, ये देखो कोई कॉन्स्टेंट होगा, कॉफिशियंट इसको कह सकते हो, इसका कॉफिशियंट होगा स्टूडेंट। अब पावर आप घटाते जाओ n माइनस 2, अब फिर यहां से बढ़ोगे तो फिर आपके पास समथिंग कुछ बढ़ेगा इसका पावर, तो a इंटू ए हो जाएगा, फिर x का पावर घटेगा, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर यक्स का पावर n माइनस 2,
थ्री हो जाएगा और डॉट डॉट कर देते हैं ए का पावर एन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होगा। अब आप एक पांच नंबर हो गया ना, छठा में लिख लो छठा एक्सपेंशन। ये भी चूंकि एक बार आईआईटी इसका यूज कर चुका है स्टूडेंट, क्या यूज किया है आईआईटी, वन प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स इसका एक्सपेंशन यूज किया है। और इसका याद ही रखने में फायदा भी है, e इंटू वन माइनस एक्स बाई टू प्लस कितना था ये, हाँ 11x² / 24 हमें भी याद रखना पड़ता है क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट, इसलिए आप भी उसे याद रखें और हम भी सोचते हैं कि उसके बाद क्या था, तो आप भी एक्सपेंशन को याद रखें। नंबर सिक्स एक्सपेंशन हुआ है स्टूडेंट, तो ये छह एक्सपेंशन ये आपका एल्जेब्रिक में चल रहा है, तो ये एल्जेब्रिक है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है नंबर सिक्स के बाद सेवन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में वन प्लस एक्स का पावर एन है, ये लिखते हो वन प्लस एक्स का पावर एन है, तो इसका एक्सपेंशन वन प्लस एन बाई फैक्टोरियल वन, और ये हो गया फैक्टोरियल वन लिखें कि कैंसिल हो जाएगा, चलो ऐसे लिखो आप ऐसे लिखते जाओ, एन सी जीरो था ये, चलो पूरे लिखो एन सी जीरो और एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर तो याद भी रहेगा, और प्लस एन सी एन एक्स का पावर एन हो गया स्टूडेंट, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये वैल्यू इसका एन हो गया और एक्स हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे देखो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं एन सी टू को, तो ये फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू और एन माइनस टू हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो एन हो गया और एन माइनस वन हो गया, देख रहे हो ना, इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू हो गया डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल एन माइनस टू कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो फाइनल आ गया इतना क्या आ गया, एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे आते जाएगा स्टूडेंट प्लस एक्स का पावर एन, ये बाइनोमियल है। तो इस एक्सपेंशन को भी याद रखो नंबर सेवन में, नंबर सेवन हो गया एक्सपेंशन। अब आप नंबर एट एक्सपेंशन में आ जाओ स्टूडेंट, नंबर एट एक्सपेंशन जो है आप ट्रिगो में ले लो, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यू बाई ऑड में चलता है फैक्टोरियल थ्री एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव और माइनस डॉट डॉट डॉट। बस हम थ्योरीज को समाप्त करेंगे स्टूडेंट और फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया। अब आप कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन याद रख सकते हो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर हो जाएगा, एक्स फोर बाई फैक्टोरियल फोर फिर माइनस हो जाएगा एस ऑन। इस प्रकार से आप याद रखना है आपको, टैड एक्स का एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये साइन जो है वो ऑड में चलेगा और कॉस जो है स्टूडेंट वो आपका इवन में चलेगा। अब एक्स का ले लो टैन का ले लो, तो एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस इसका डाटा है टू एक्स का पावर फाइव, टू एक्स का पावर फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन, और उसके बाद का डाटा आप देख लेना, तो ये टेन एक्स का हो गया। ये ट्रिगो में आप याद रखो, उसी प्रकार से और भी आप किताब को देख लेना स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, फिर आप टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, ये सारा एक्सपेंशन दस लिखे हैं, पांच छह एक्सपेंशन और होगा उसको आप देख लोगे, टाइम बहुत ज्यादा यूज हो लग रहा है। अब तुरंत हम इसके बाद का जो वीडियोस है उसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म शुरू करेंगे स्टूडेंट, इसलिए इस लेक्चर्स को यहां समाप्त करते हैं, धन्यवाद।